माता भवानी के इस मंदिर में होता है अद्भुत चमत्कार, जिसे देख बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी हो जाते हैं हैरान। बिना घी, बिना तेल, बिना किसी मोम के 15 वर्षों से सिर्फ नदी के पानी से जल रहा है दीपक। माता रानी के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर लोगों के छूट गए पसीने। आखिर पानी से कैसे जल सकता है दीपक? वैसे तो आज तक हमने धर्म और आस्था से जुड़े हुए बहुत से चमत्कार देखे हैं। भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत, चमत्कारी और भव्य मंदिर हैं, जो कि भक्तों का मन मोह लेते हैं। यही वजह है कि भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। इन चमत्कारी मंदिरों के दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से भक्तजन भारत आते हैं और अपनी श्रद्धा और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। भारत में बने हुए बहुत से मंदिर रहस्य से भरे पड़े हैं और मंदिरों में एक से बढ़कर एक चमत्कार होते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 15 वर्षों से बिना किसी घी, बिना किसी तेल, बिना किसी मोम के सिर्फ और सिर्फ नदी के पानी से दीपक जलाया जा रहा है। माँ भवानी के इस अद्भुत चमत्कार के बारे में हर कोई सुनकर हैरान हो जाता है। देश से लेकर विदेश तक यह माता रानी का मंदिर चर्चाओं में बना हुआ है और चर्चाओं में रहने के कारण दुनिया के अलग अलग कोनों से आने वाले भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और माता रानी की इस अद्भुत लीला को देखते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा चमत्कार पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आम तौर पर हमने दीपक जलते हुए देखे हैं, जिन दीपकों को ईंधन के तौर पर तेल, घी या फिर मोम, इस प्रकार की सामग्री से जलाया जाता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना घी, बिना तेल और बिना किसी मोम के दीपक जल सकता है, वह भी सिर्फ नदी के पानी से? जी हाँ, यह सुनकर बेशक आपको असंभव लग रहा होगा। यह मंदिर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में नलखेड़ा गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर गाड़िया गांव के पास काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। पानी से दीपक जलने की वजह से यह मंदिर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन इस मंदिर की सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया। तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और वो भी इस चमत्कार को देखकर चकरा गए। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करें, जिससे कि वह भी माता रानी के इस अद्भुत चमत्कार के बारे में जान सकें। गड़िया घाट वाली माता जी के नाम से मशहूर इस मंदिर का चमत्कार है कि यहाँ पर जब माता की ज्योति जलाई जाती है तो वह तेल, घी या फिर मोम से नहीं बल्कि नदी के पानी से जलाई जाती है। यह लगभग 15 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ के पुजारी का दावा है कि पहले यहाँ तेल का दीपक जलाया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों पहले उन्हें माता भवानी ने सपने में दर्शन दिया और माता ने पानी से दीपक जलाने के लिए कहा। माँ के आदेश के अनुसार पुजारी ने वैसा ही किया। मंदिर के पास में ही बहराइच काली नदी से पानी भरा और उसे दीपक में डाल दिया और दिए में लगी हुई बाती के पास जैसे ही माचिस ले जाकर जलाई तो ज्योति जलने लगी। यह देखकर पुजारी आश्चर्यचकित रह गए, परंतु उन्होंने यह बात 2 महीने तक किसी को नहीं बताई। लेकिन 2 महीने बाद पुजारी ने यह पूरी घटना ग्रामीणों को बताई। जब ग्रामीणों ने इस घटना के बारे में सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आपको बता दें, जब इस दीपक में नदी का पानी डाला जाता है तो वह चिपचिपे तरल पदार्थ में बदल जाता है और इसी वजह से दीपक जल उठता है। अब आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और इस चमत्कार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV30 इंडिया डिजिटल डेस्क, जय हिंद।